आज मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मां विकास अघाड़ी को सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने नाना पटेलों को चिट्ठी लिखकर समर्थन का वादा किया। उलेमा बोर्ड के मेंबर्स ने नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार और जयंत पाटिल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मां विकास अघाड़ी को सपोर्ट की चिट्ठी जारी कर दी। हालांकि इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड की तरफ से मां विकास अघाड़ी की सरकार बनने पर दंगे के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई, भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना सलमान अजहरी को छोड़ने, इमाम और मौलाना को 15,000 रुपए सैलरी, वक्फ बिल को वापस लेने, मुसलमानों को आरक्षण देने और आरएसएस पर प्रतिबंध जैसी 17 मांगे की गई हैं। नाना पटोले ने भी उलेमा बोर्ड को चिट्ठी लिखकर वादा किया है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो मुसलमानों की सारी मांगे पूरी की जाएंगी। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड महाराष्ट्र के चेयरमैन नायाब अंसारी ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने जुबान दी है, वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे, इसलिए महाराष्ट्र के मुसलमान मां विकास अघाड़ी को पूरा सपोर्ट करेंगे, खुलकर सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती सदर नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण साबिक वजीर आला और दीगर सीनियर कायदीन के साथ हमारे रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी की राष्ट्र मुलाकात हुई थी बंबई में, और उसमें तफसीली गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें मकतूब दिया है और हम इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन पर वो जरूर तवज्जो देंगे। के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मकतूब इसी तरह का हमें मिला है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अलावा मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन ने भी मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट करने की अपील करते हुए पर्चे बांटे हैं। इन पर्चों में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर महाविकास अघाड़ी को वोट देने की गुजारिश की गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। किरीट सोमैया का इल्जाम है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ जैसे करीब 400 NGO महाराष्ट्र में एक्टिव हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से इन NGOs को विदेशों से आए फंड की जांच कराने की मांग भी की। तो कोर्ट फेडरेशन बनाया गया, ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग, 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा और वहां पर भाषण क्या किए जाते, ये देखो ये पैम्पलेट है, मैं भाषण बताता हूँ उनका, जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास अघाड़ी को जिताओ। तो एक और लैंड जियाद, एक जगह लव जियाद और अब वोट जियाद, ये तो इन्होंने तय किया है। मुस्लिमों में 100% मतदान और 100% महाविकास अघाड़ी करके भाजपा मोदी को हराए। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। किरीट सोमैया ने जिस मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के संगठन के खिलाफ शिकायत की है, जिसकी फंडिंग पर सवाल खड़े किए हैं, उसके अध्यक्ष फकीर मोहम्मद ठाकुर ने कहा उनके संगठन ने मुद्दों के आधार पर मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की है, इसमें क्या गलत है। फकीर मोहम्मद ने कहा महाराष्ट्र के दूसरे सामाजिक संगठन भी अपने अपने लोगों से अलग अलग पार्टियों को वोट देने की बात कहते हैं, तो क्या वोट जिहाद नहीं है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने अपनी समाज को एक अपील निकाला है कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ लोगों को यह अपील की वजह से तकलीफ हुई। हम उनको ये पूछना चाहते हैं, यूपी सरकार ने जो हेट स्पीच दिए हमारे समाज के खिलाफ, उनके ऊपर FIR दाखिल सैकड़ों होने के बाद भी बावजूद भी उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हुई, उल्टा उनकी हिम्मत अफजाई हुई। और हमने अगर कोई बात अपने समाज को
अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हिफाजत के लिए अच्छे कैंडिडेट जो किसी भी पार्टी से हो और महाविकास आघाड़ी को चुन के अपील किया है, उसके अगर उनको तकलीफ होती है और जो मराठा जरंगे पाटिल जैसे मराठों को वोट करो और हक के जो ओबीसी नेता है वो बोलते हैं कि ओबीसी लोगों को वोट करो, तो ये जहात वोट जहात नहीं हुआ क्या? अगर उनको हमारे ऊपर एफआईआर करना है तो करे, हमको फिकर नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने इसे वोट जिहाद बताया, लोकतंत्र पर हमला बताया, कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए काम करे फिर उनका वोट मांगे, ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों को डराकर भड़काकर उनका वोट लेना चाहती है, ये गलत है। स्मृति ईरानी ने कहा अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो साफ साफ कह दे उसे हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। जो लोग वोट जिहाद का आक्रमण देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कहाँ थे यही लोग जब तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं न्याय मांग रही थी? कहाँ थे ये लोग जब गरीब मुसलमान नौजवान अपने लिए सुविधा शिक्षा मांग रहे थे? जो लोग इस प्रकार के वोट जिहाद के एक आक्रामक रवैये से ये मानते हैं कि वो वोट पालेंगे, वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी है वहाँ वहाँ ना आप हिंदू का सम्मान पाएंगे ना हिंदुइज्म का सम्मान पाएंगे। स्मृति ईरानी को जवाब दिया बालासाहेब थोराट ने। उन्होंने कहा कांग्रेस को हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है तो क्या वो जिहादी हैं, संविधान के खिलाफ हैं? थोराट ने कहा बीजेपी को हार का डर है, इसीलिए अब बीजेपी ने महाराष्ट्र के लोगों को आपस में बांटने का काम शुरू कर दिया है। अगर वोट जिहाद कहते तो हमारे जो प्याज के उत्पादक है उन्होंने वोट दिया हमें, तो उसको क्या प्याज जिहाद कहेंगे? किसानों ने वोट दिया वो किसान जिहाद कहेंगे? हमारे जो माता भगिनी है उन्होंने वोट दिया तो क्या कहेंगे? माता भगिनी वो जिहाद क्या? ऐसा है कि ये बहुत गलत तरीके से बीजेपी प्रचार कर रही है।